आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। बंधा से क्या दिक्कत थी? पैर में दर्द है और गांठों में दर्द होते है। 2 साल हो गए। 2 साल से जी। कभी इसको दिखाया किसी डॉक्टर ने? नहीं दिखाया तो नहीं। ऐसे टेप लगाते हैं, दवा खाते हैं। गांठे वाठे पिराते, कमर वमर पिराते, कमर गांठी वाठी पिराते साहब, बस ये है। अरे 2-4 महीना तो है। नहीं नहीं इलाज नहीं करा, कोई ज्यादा इतना नहीं रहा, सब काम करते रहे थे दवाई वही। फिलहाल रनियापुर से आए हैं। रनियापुर से आए, क्या दिक्कत है? गांठों में दर्द रहता हमारे दोनों में। आज यहाँ पर डॉक्टर ने देखा कि नहीं देखा? अभी नहीं देखा। कब से दिक्कत है? तो काफी दिन से दिक्कत चल रही है। आज जो कैंप हमने सुना तो आ गए यहाँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर नेशनल हाईवे से सटा हुआ है, सरोजनगर PSC। आज यहाँ पर गठिया बाई के लिए KGMC की टीम आई हुई है और गठिया बाई के लिए तमाम पेशेंट यहाँ पीछे पेशेंट दिखा दे, तमाम पेशेंट आए हुए हैं दूर दराज से और सरोजनगर से ज्यादा पेशेंट यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रसन्न कुमार है, डॉक्टर प्रसन्न कुमार। आज गठिया बाई का यहाँ PSC में हमने कैंप लगाया, किस तरीके का कैंप है? बेसिकली आज ना वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। इसका मतलब गठिया रोग किस तरीके का होता है, किस किस टाइप्स का होता है, वो सब हम थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे आया है। अभी कितने पेशेंट आप लोग ने देखे हैं? अभी तो कम से कम 50 पेशेंट हमने देखा है, उसमें 50 मरीजों में कम से कम 20 पेशेंट को प्रॉपर गठिया बाई है, जिसका रूमेटोलॉजिस्ट जो हम गठिया रोग का ट्रीट करता है उनका बहुत जरूरी है। हम उन लोगों का थोड़ा एक्सप्लेन किया है एक रोग कैसे होता है, क्या करना है, क्या खाना है, मतलब किस किस का होता है, फैमिली में किसी को होता है क्या, वो सब डाउट्स उन लोगों ने पूछा है, हम सब एक्सप्लेन किया है। टेस्ट वगैरह करना है सब डिपार्टमेंट में, रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में, हमने KGMU रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बार इसको बुलाया हमने टेस्ट वगैरह करा के। और भी डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है, मैं गठिया रोग विभाग से KGMU से आई हूँ। आज 12 अक्टूबर का दिन हर वर्ष जो है विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में एक जागरूकता कैंप के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, साथ ही कुछ मरीज जो है सरोजनी नगर PHC में देखने के लिए। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है गठिया जो है किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, अभी तक हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में ये भ्रांतियाँ हैं कि गठिया सिर्फ उम्र दराज लोगों को होता है, बट ऐसा है नहीं। गठिया किसी भी एज के महिला है या पुरुष है या बच्चा है, किसी को भी हो सकता है। गठिया एक बीमारी का नाम नहीं है, इसमें करीबन 200 तरह की डिफरेंट बीमारियां होती हैं और इसका समय पे ट्रीटमेंट लिया जाए तो मरीज जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी पाने के काबिल रहता है। तो इसलिए इसके समय पे पहचान करना और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिनको रेमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है उनके पास इलाज यदि कराया जाए तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा ये इलाज और जो है मरीज अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा। मैम एक चीज़ ये भी आता है, गठिया बाई में एलोपैथिक और आयुर्वेद का क्या रोल रहता है और एलोपैथ किस तरह काम करता है इस पर? वैसे तो सारी पैथीज ही बहुत अच्छी हैं, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी, लेकिन जहाँ तक गठिया का मेरी समझ में जितना लिटरेचर अवेलेबल है या जितना उस पर शोध हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पैथी अभी तक उसको जड़ से ठीक करने में कामयाब नहीं है। एलोपैथी से भी उसके सिम्टम्स को हम रोक सकते हैं, उसका फैलाव बढ़ने से रोक सकते हैं, जो बीमारी जहाँ पे है स्टेबल कर सकते हैं। इसी तरह से और विधाओं में भी ऐसा ही होगा, मेरा ये मानना है। किसी भी पैथी से ये जड़ से ठीक नहीं हो सकता, तो कोई भी पैथी ले, लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर के पास। मैम इसका जो गठिया का जो मेन मूल है ये उम्र, एक क्या उम्र होती है जो इस गठिया का शुरुआत तौर पर देखा जाए? नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि ये गठिया किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है, 2 वर्ष के, 1 साल के या पैदा होते बच्चे को भी हो सकता है और 60 साल, 80 साल, किसी भी उम्र में हो सकता है। एक बात ये जो कॉमनली ये देखी गई है कि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है,
महिलाओं में पुरुषों की तुलना में काफ़ी सारी गठिया जो है महिलाओं में ज़्यादा होती है, और सिर्फ एक ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम का गठिया है जो कि उम्र दराज लोगों में होता है। वो पहले 50-60 की उम्र में स्टार्ट होता था, अब वो भी जल्दी स्टार्ट होने लगा है 30-40 साल की उम्र में, तो वही जाने लगा। डॉक्टर पूर्णिमा जी है, वो पेशेंट को समझा रही है किस तरीके से पेशेंट को अप डाउन करना है, पैर को एक घंटे में देर रोकेंगे पर कमर में या पैर में गठिया बाई होता है, तो उस पर अप डाउन करने से उचित गठिया बाई की समस्या खत्म हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित शर्मा साहब, नेशनल वॉच, लखनऊ।